बैतूल जिले के भैंसदेही ब्लॉक के ग्राम गडरा झिरी में धर्मांतरण को लेकर जमकर मचा बवाल। जनजाति समाज के सैकड़ों लोगों में भ्रम फैलाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। लंबे समय से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को लगातार सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जनजाति समाज के लोगों को समझाइश देने पहुंचे थे। लेकिन समझाइश दे रहे कार्यकर्ताओं से इसी बीच धर्मांतरण करवा रहे लोग हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की भीड़ देखे गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद हो गया। भैंसदेही थाना प्रभारी को सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ ग्राम में पहुंची और विवादित माहौल को शांत करवाया। जबकि भैंसदेही थाना प्रभारी तरन्नुम खान से बात करने पर उन्होंने बताया कि ये मामला धर्मांतरण का नहीं पाया गया। गडरा झिरी के गुणवंत नामक युवक के घर में मकान का उद्घाटन और प्रार्थना के लिए लोग वहां इकट्ठा हुए, जिन पर 188 की कार्रवाई। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? प्रतीक तिवारी जी। बीस हिंदू परिषद बजरंग दल भैंसदेही प्रखंड अध्यक्ष के दायित्व है मेरे पास जी। क्या कुछ मामला था आज गडरा झिरी में? गडरा झिरी में धर्मांतरण के हिसाब से मामला था एक, बहुत भीड़ आज इकट्ठा करके रखी थी हमने जी। और कोरोना के इतने काल में तो इतनी ज़्यादा भीड़ आज नहीं इकट्ठा करके थी, कम से कम 400 से 500 लोगों ने अपने घर में इकट्ठा करके रखा था। और ये बता रहे थे कि हम घर का उद्घाटन है, जबकि वो धर्मांतरण करवा रहा था, इसके पहले भी वो कर चुका है ये कार्य। अच्छा, और लगभग कितने लोग थे उनके यहाँ घर के अंदर? करीब करीब 400 के आसपास होंगे। तो आप लोगों ने और आपकी टीम ने क्या किया? उनको पहले जाके समझाया कि आप ही क्यों कर रहे धर्मांतरण, आप अपने आदिवासी समाज और गोंड समाज को तुम आप ही क्वेश्चन में क्यों ले जा रहे हो? तो फिर बोलते हैं कि हमें प्रलोभन देते हैं, ये हमारी आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं, कुछ किसी को हो जाता है तो अस्पताल का खर्चा सब खर्चा करवाते हैं, ये लोग नौकरी दिलाते हैं हमें, आप लोग क्या करते हो? फिर क्या आपकी बात सुनकर वो लोग मान गए? नहीं माने, हमारा बहुत विरोध किया उन्होंने। फिर हमने प्रशासन की मदद ली, फिर प्रशासन आया, फिर प्रशासन ने उनको समझाया जी। और कुछ आपने क्या है वहाँ पर? ऐसा लग रहा था कि जैसे भगदड़ मच गई हुई, लाठी वाठी मारपीट हुई, ऐसा वो कुछ? हम पे बहुत प्रेशर कर रहे थे हमको मारने की, यानी बहुत कोशिश की उनने। किस चीज़ को लेकर? कि ये बोले आप हमारे बीच में ना हो, ये हमारे बीच का मामला है। अच्छा। हम अपनी सोच इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप हमारे बीच में नहीं आएंगे। फिर प्रशासन आने के बाद या पुलिस आने के बाद आप लोगों ने क्या किया? प्रशासन के हाथ में दिया जो भी, फिर प्रशासन ने समझाया है सब, फिर प्रशासन ने समझा बुझा के सब जितने आदिवासी और समाज के थे उनको सबको अपने घर भी जा दिया। और जो ईसाई मिशनरी के लोग आए थे बाहर से जी, उनको अपने साथ थाने लाए पूछताछ के लिए। कितने लोगों को लाया थाने? थाने करीब 4 लोगों को लेके आए। और वो जिसके घर में ये कार्यक्रम या ये रूपरेखा हो रही थी, क्या हाँ, उसको भी लाया गया है? हाँ, उसको भी लाया गया। क्या नाम है उसका, बता सकते हैं? उसका गुणवंत नाम है। बताइए आज जो ये गडरा झिरी में घटना हुई, क्या मामला था? सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ दुष्कर्मी लोग आए हुए हैं और कोई वहाँ पे धर्म परिवर्तन जैसा कुछ कार्यक्रम का सूचना दी थी हमें, तो हमने मौके पे स्टाफ के साथ जाके देखा है। तो वहाँ पे एक गुणवंत नाम का जो है गडरा झिरी का व्यक्ति है, लोहार है वो, और उसका कहना 2007 से वो क्रिश्चियन धर्म अपनाए हुए है, और उसने अपना घर बनाया था, पीछे तरफ कुछ कमरे बनाए हैं। उनके उद्घाटन के हिसाब से आसपास के लोगों को बुलाया, और ये मिशनरीज के दूर थे उनको बुला के प्रार्थना कर रहे थे ये लोग। तभी किसी को सूचना मिली थी गांव के आसपास के लोगों को कि यहाँ कुछ और कार्यक्रम चल रहा है, तो उन्होंने आके उस कार्यक्रम को रोक के फिर पुलिस की सूचना दी है। तो कोरोना काल को देखते हुए इतनी संख्या में भीड़ हुई, तो क्या कुछ लगा कि आपको? हाँ, ये अभी हाल ही में अपने जिले में 144 लगी है, इसका सीधा सीधा उल्लंघन इनके द्वारा किया गया है, और इसी पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो मकान मालिक है गुणवंत, और जो बाहर से आए जो दो लोग हैं जो इस कार्यक्रम के लिए आए थे प्रार्थना के लिए, उन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। मैडम, इतनी सारी भीड़ हो गई और लगता है कि कुछ मोटरसाइकिलें तोड़ दी गई, लाठी वाठी निकाली गई, क्या कुछ स्थिति खराब जैसी हुई थी? इस संबंध में वीडियो है जो हम तो व्यस्तता के कारण अभी देख नहीं पाए हैं, पर जांच में जो विवेचना के दौरान इसको देखेंगे क्या हुआ था। क्या अपराध कायम किया मैडम? 188 ये 144 का उल्लंघन है, जो कोरोना काल में भीड़ इकट्ठी किया, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया, उसके लिए अपराध कायम किया गया। लगभग कितने लोगों को वहाँ से लेके आया है गडरा झिरी ग्राम? 3 लोगों को लेके आए थे, मुख्य जो है उसमें परिवार एक तो मुखिया और दूसरा ये जो बाहर से आने वाले। कहाँ से आए थे मैडम ये दो लोग? ये बैतूल से आए हैं, सदर बाजार चर्च वहाँ पर, ये वहाँ के पास पर। मतलब ऐसा नहीं लगता कि क्या कुछ धर्म परिवर्तन का मामला है या नहीं? क्या ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कोई भी व्यक्ति जी कि धर्म परिवर्तन के लिए कोई बताए,
अभी सिर्फ प्रार्थना की बात सामने आई है, प्रार्थना चल रही थी वहाँ पर जी। अपराध कायम किया गया है तो इसमें लगभग क्या धाराएं लगाई है या 188 188। हाँ,